अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए एक नाल का ब्रांड न्यू हाउस लेकर आया हूँ जो कि लोकेटेड है DHA फेस टू इस्लामाबाद में और बहुत ही प्राइम लोकेशन का घर है। वाइट स्ट्रीट है इसके सामने। तो मैं आपको चलें तो आपको मैं इसका पहले फ्रंट का थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, फ्रंट एलिवेशन के बारे में बताता चलूँ। फ्रंट एलिवेशन में जो है इसमें स्टोन टाइल का यूज़ किया गया है जो कि डार्क और लाइट की कम्बिनेशन में है और घर को बाहर से बहुत ही अच्छा और डिसेंट रखा गया है। और बाहर आप एक्सटर्नल लॉन देख सकते हैं, इंटरनल लॉन देख सकते हैं, कितना लश ग्रीन दिया गया है और इसके अंदर इंपोर्टेड ग्रास यूज़ की गई है। आप चेक कर सकते हैं, इसका ये कार पोर्च आ जाता है जिसके अंदर एट अ टाइम 2 to 3 कार्स ईजिली पार्क हो सकती हैं। और चलते हैं हम इसके लॉबी एरिया की तरफ, ये इसका इंट्रेंस आ जाती है और लॉबी एरिया आप देख सकती हैं। प्रॉपर डबल यूनिट इसको घर को जो है वो डिज़ाइन किया गया है और ये इसका ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है। इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने जो है फिनिशिंग की है। और ये इसका बॉर्डर रूम साथ आ जाता है और ये इसका आ जाता है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज की सीलिंग डिज़ाइन आप देखें, बड़ी विंडो रखी गई है, मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, साथ छोटा शैंगलियर दिया गया है और फिनिशिंग में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। चलते हैं तो किचन में आपको दिखाता चलूँ कि किचन की कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, सारी वाटर प्रूफ जो शीट्स यूज़ हुई हैं। सामने जो है वो शैंक रखा गया है और इसके साथ छोटा सा एक वो आप समझ ले लॉबी एरिया दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है हुड और इसके अंदर सारा कुछ सेसेस इंस्टॉल की गई हैं। हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ, ये मैं दिखाता चलो बेडरूम फर्स्ट। आपको इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिया गया है, कितना एलिगेंट और स्पेशियस इसके जो है मैप फ्लोर डिज़ाइन रखा गया है। और ये इसका बेडरूम सेकंड आ जाता है, आप देख सकते हैं विंडोज़ कितनी बड़ी रखी गई है, साथ ही अटैच वॉशरूम के साथ जिसमें साइड शॉवर कैबिन लगा गया है। और ये हम बेडरूम थ्री की तरफ आ जाते हैं, इसका आप सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं और सामने उसकी बड़ी विंडो और वुडन फ्लोर दिया गया है साथ। और इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं तो व्यूवर्स हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं स्टेयर्स में कितना अच्छा मार्बल यूज़ किया गया है, सामने आप देख सकते हैं लाइट और बड़ी बड़ी विंडोज़ रखी गई हैं। ये इसका लॉबी एरिया आ जाता है अपर फ्लोर का। और ये हम आप चलते हैं ड्राइंग डाइनिंग की तरफ, आप इसका पहले सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट और वुडन फ्लोर। और ये आप चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ, आप सामने इस पर भी देख सकते हैं बड़ी विंडो रखी गई है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रखा गया। ये अपर फ्लोर का किचन आ जाता है जिसमें भी सारी एक्सेसरी इंस्टॉल की गई है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर और सामने जो है हुड ओवन और स्टोव वगैरह इसमें इंस्टॉल किया गया है। चलते हैं हम बेडरूम फर्स्ट की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है और सारी इंपॉर्टेड एक्सेसरी यूज़ की गई है, टाइल्स आप देख सकते हैं सारी। हम चलते हैं फिर सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारा जो है वो वुडन फ्लोर का यूज़ किया गया है और सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं कैसा है ये। और चलते हैं फिर थर्ड बेडरूम की टेरेस की तरफ, सॉरी टेरेस इसका आ जाता है। टेरेस इसका एक बहुत ही अच्छी डायमेंशन रखी गई है, बहुत ही स्पेशियस टेरेस बनाया है इसका। टेरेस से कुछ फ्रंट एलिवेशन की ऐसा नज़र आता है, ये देखें जैसे जो है ना स्टोन टाइल आप देख सकते हैं, डार्क और लाइट कम्बिनेशन में बहुत ही अच्छी लुक देती है एक। और साथ आप देख सकते हैं यहाँ से लॉन का कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। और फ्रंट पे भी देख लें आप, कुछ ये हाइट की लोकेशन जो है ना बनती है जिस पे आपको ओवर व्यू जो है ना वो सब कुछ नज़र आता है सही। रूफ टॉप की बात करें तो रूफ टॉप में सर्वर क्वार्टर दिया गया है विद अटैच वॉशरूम के साथ। और सामने आप देख सकते हैं हाइट की लोकेशन है सारी, बहुत अच्छा व्यू है आगे फ्रंट और आगे पीछे सराउंडिंग में। और मिलते हैं व्यूवर्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।